नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सिद्धि स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागवाड़ा में वेद विद्यापीठ अध्ययन केंद्र पर परीक्षा संपन्न हुई। वेद विद्यापीठ अध्ययन केंद्र प्रभारी डॉक्टर दीनबंधु ठाकुर ने बताया कि यहां परीक्षा केंद्र पर परीक्षा 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुई, जिसमें योग विज्ञान में 157, कर्मकांड में 28, ज्योतिष में 22 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षार्थियों ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी, वेद विद्यापीठ निदेशक डॉक्टर महिपाल राव, सचिव डॉक्टर विशेष, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पानेरी का आभार जताते हुए बताया कि वागड़धरा पर ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स संचालित कर सराहनीय कार्य किया है। परीक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय की परीक्षा पद्धति एवं सिद्धि PG कॉलेज की व्यवस्था को लेकर सराहना की। योग शिक्षक विकास चंद्र जोशी ने कहा कि सिद्धि महाविद्यालय में नियमित सायंकालीन योग विज्ञान, कर्मकांड, ज्योतिष शास्त्र की कक्षाओं का संचालित होने से विद्यार्थियों को बहुत अच्छा सीखने को मिला है। इस परीक्षा को संपन्न करवाने में महाविद्यालय के सहसचिव सुभाष भलोत, नानूराम माली, मान सिंह सिसोदिया, निशान डेंडोर, दिनेश यादव आदि ने सहयोग किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। वेद शिव शिवो वेद वेदाभ्यास शिव प्रिय। वैदिक शिक्षा, वैदिक ज्ञान हमारी अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। संस्कृत भाषा, वैदिक भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। आज इस क्षेत्र में वागड़ प्रदेश में माननीय कुलपति महोदय के प्रयासों से वैदिक शिक्षा को आज एक सर्टिफिकेट के रूप में आज हम सभी प्रफुल्लित हैं, हम सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि वैदिक शिक्षा इस क्षेत्र में पहले से ही थी, पर आज यूनिवर्सिटी के माध्यम से आज देश विदेश में कई जगह पर विद्वान, कई उद्भट विद्वान इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत है। और ये सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद निश्चित रूप से इस वैदिक शिक्षा को, वैदिक ज्ञान को एक सम्मान मिला है, और वो जो सम्मान है उसके लिए हम आभारी हैं यूनिवर्सिटी के भी, और साथ में इस क्षेत्र में माननीय ठाकुर साहब, दीनबंधु डॉक्टर दीनबंधु ठाकुर साहब, जिनके सहयोग से सिद्धि महाविद्यालय में इस परीक्षा का केंद्र बनाकर एक बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ना, इस वैदिक वांग्मय, वैदिक शिक्षा से ज्योतिष, कर्मकांड और वास्तु, और साथ में ही योग के माध्यम से भी, और इसलिए आज हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि इस माध्यम से कई लोग जुड़े हैं और वैदिक शिक्षा को, वैदिक ज्ञान को एक पुनः वापस सम्मान प्राप्त हुआ। इसीलिए हम माननीय विश्वविद्यालय, माननीय कुलपति महोदय राव सर और पानेरी सर और दीनबंधु ठाकुर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।